देख रहे TV24 समाचार। लखनऊ समाजवादी पार्टी के MLC आनंद भदौरिया का कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान, कहा BJP सरकार में अपराधी कानून व्यवस्था का लगातार बना रहे मजाक। गोमती नगर और चौक की घटना पुलिस के मुंह पर तमाचा। BJP ऑफिस और डायल 100 से थोड़ी दूरी पर हो रही है दिल दहलाने वाली घटना। लखनऊ में मुख्यमंत्री, डिप्टी CM और दर्जनों मंत्री बैठते हैं। दर्जनों की संख्या में IPS भी नहीं संभाल पा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त और बेलगाम हो चुकी है। राजधानी में दिन भर दर्जनों मंत्री सड़कों पर सिर्फ गाड़ी दौड़ाते हुए नजर आते हैं। जिस इलाके में हत्या हुई वहाँ IAS और IPS अफसर रहते हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा 24 फरवरी को सदन में भी जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। TV24 समाचार के लिए लखनऊ मंडल ब्यूरो वशिष्ठ चौबे की रिपोर्ट। तमाम मंत्री, पुलिस कमिश्नर प्रणाली जिस दिन से लागू हुई है बहुत जोर शोर से इन्होंने प्रचार किया था पुलिस कमिश्नर प्रणाली का, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली बनने के बाद राजधानी में रोज हत्या हो गई और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इसलिए कहना चाहते हैं लखनऊ राजधानी के 5-5 मंत्री, डिप्टी CM, मुख्यमंत्री दिन भर गाड़ियां लेकर के पूरे राजधानी लखनऊ में दौड़ते रहते हैं, लेकिन अपराधी बेलगाम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अपराधियों का खुलेआम चुनौती है योगी सरकार को और योगी सरकार के मुंह पर यह तमाचा है अपराधियों का। कार्रवाई नहीं कर पा रही है सरकार, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को भी आईना दिखाने का काम विपक्ष करेगा। और अभी सदन भी चल रहा है, 24 तारीख को सोमवार को सदन होगा, सदन में भी हम लोग कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने का काम करेंगे।